अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मेनाज एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैर से होंगे, मजे में होंगे। इसके पहले रेसिपी बनाना शुरू करें। कहा जाता है दो तरह के लोग होते हैं, एक खाना बनाने के शौकीन और एक खाना खाने के शौकीन। और यकीन मानो मेरी रेसिपीज खाना खाने के शौकीन के साथ साथ खाना बनाने के शौकीन वालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से और जबरदस्त जायके में बनने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए बनाते हैं मेहरान मसाले से बॉम्बे दाल गोश्त। मैंने लिया है 1 kg मटन, 200 ग्राम चना दाल, 200 ग्राम मसूर दाल जिसे पानी में 30 मिनट के लिए भिगो के रखा, 3 मीडियम साइज के प्याज को कट करके रखा, 1 अदद बॉटल गार्ड यानी कि लौकी जिसे दूधी भी कहते हैं, 2 से 3 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 कप इमली को भी पानी में भिगो के रखा और मेहरान का बॉम्बे दाल गोश्त मसाले का 1 पैकेट लिया है। बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। सबसे पहले भीगी हुई दालों को बॉईल कर लें। फ्लेम को मीडियम टू हाई की तरफ रखना है। इसे अच्छे से मिला लें। दालों की सतह से सिर्फ 1 उंगली ज्यादा पानी रखें। पहला उबाल आने पर इस तरह का जो फॉर्म आता है उसे निकाल लें। अब फ्लेम को मीडियम की तरफ रख दें। 1 टीस्पून नमक डाल दें या फिर जायके के हिसाब से डालना ना भूलें। कुकर का ढक्कन लगा दें और करीब 1 सीटी बजते ही फ्लेम को धीमा कर दें और 5 मिनट के बाद फ्लेम से अलग कर लें। चलिए, दाल हमारी अच्छे से बॉईल हो गई है। इसे अब मिक्सी में पीस के एक तरफ रख दें। अब 1 कप या फिर 5 से 6 टेबलस्पून तेल डाल दें। फ्लेम को मीडियम की तरफ रखें। कट की हुई प्याज डाल दें। प्याज को तेल में लगातार हिलाते जाएं ताकि किनारों पे जले नहीं। प्याज गोल्डन ब्राउन होने ही वाला हो इस तरह, तब इसमें मटन डाल दें। अब इसे अच्छे से 5 से 7 मिनट के लिए भून लें। अब इसमें जाएगा 2 से 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी 5 से 7 मिनट के लिए भूनना है। अब इसमें दाल गोश्त मसाला डाल दें। इसे डालते ही खूब अच्छे से मिला लें। मसाले की खुशबू आने लगे तो समझ ले मसाला अच्छे से भुना गया है। अब इसमें मटन कवर होने तक पानी डालेंगे, यानी के मैंने यहाँ पे 2.5 कप पानी डाला है। और हाँ, जायके के हिसाब से नमक डालना ना भूलें। कुकर का ढक्कन लगा ले और 80% मटन गलने तक पकने दें। चलिए ढक्कन निकाल कर देख लेते हैं। अब इसमें कट की हुई लौकी यानी कि दूधी के पीसेस डाल दें। फ्लेम मेरा अब भी मीडियम की तरफ है। अब दोबारा से कुकर का ढक्कन लगा लें और 1 सीटी आने तक इंतजार कर लें।
एक सीटी आने पर फ्लेम को बंद कर दें और प्रेशर भी निकाल लें। इसे मैंने दूसरे टोप में ट्रांसफर कर लिया। अब इसमें बॉईल की हुई दाल को फेंट कर डाल दें। इमली को जो पानी में भिगो के रखा था उसी में मैश करके इसमें डाल दें। अब सभी को अच्छे से मिला लें। मिला लेने के बाद चक्के देखें, जरूरत हो तो नमक ऐड कर लें। अब एक नहायत ही जरूरी और लास्ट स्टेप जो के है तड़का। 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ले, तेल गरम होने पर 7 से 8 काली मिर्च, 5 से 6 लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 टीस्पून अक्खा जीरा डाल दें और 4 से 5 पीस रेड चिल्ली के और 2 से 3 हरी मिर्च डाल दें। इसी के साथ 7 से 8 कड़ी पत्ते डालते ही इसे दाल गोश्त में शामिल कर लें। माशाल्लाह, चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। गार्निशिंग के लिए फ्रेश हरा धनिया चॉप करके और पुदीने के पत्ते डाल दें। तंदूरी रोटी, चपाती, नान या फिर जीरा राइस के साथ मजा लें। इसकी खुशबू से ही अंदाजा लग जाता है कि कितना जबरदस्त जायका होगा। एक दफा मेहरान बॉम्बे दाल गोश्त मसाला जरूर ट्राई करें। खाने वाले भी खुश और बनाने वाले भी खुश। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर ले। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी हर रेसिपीज और ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और हाँ, एक लाइक और कमेंट जरूर करें क्योंकि ये सब मेरे लिए बहुत मानी है। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।